बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं उर्द्राम लोली और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेटगार्ड पीपल्स वॉइस। समय हो चुका सुपर फाइव का, यानी आज की पांच बड़ी खबरों का। दिन भर क्या कुछ खास रहा वो पांच बड़ी खबरें आप देखते हैं सुपर फाइव में। आज की पांच बड़ी खबरों की अगर हम रुक करें तो सबसे बड़ी खबर है सुल्तानपुर से, जहां पर एक दलित समाज के युवक को पीटने की बड़ी खबर आ रही है। दूसरी बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया। तीसरी बड़ी खबर की रुक करें और आपको बता दें कि जो अखिलेश यादव है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उत्तर प्रदेश की सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाए। चौथी बड़ी खबर की रुक करें और आपको बता दें कि बसपा ने आज विरोध प्रदर्शन किया। पांचवी बड़ी खबर की रुक करें और आपको बता दें कि ट्विटर ने बहुजन समाज के यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस और न्यूज चैनल के एंकर का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट कर दिया है। ये पांच बड़ी घटनाएं हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली बड़ी खबर की रुक करें और आपको बताने की कोशिश करें तो बड़ी खबर आ रही है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर के अंदर आपको बता दें कि एक दलित समाज के युवक को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया, उसके साथ मारपीट की गई और आपको बता दें कि मारपीट करने के बाद उसे बंधक बनाकर भी पीटा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। दरअसल आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो ये वीडियो जिसको जहां पर दबंग युवकों ने मिलकर एक दलित को बुरी तरीके से पीटा और उसका वीडियो बनाया, यह मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का है। सुल्तानपुर के अंतर्गत आने वाले कादीपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव खोजापुर की यह घटना है, जहां पर दलित समाज का व्यक्ति मजदूरी करके लौट रहा था, उसी समय कुछ लोगों ने उसे बंधक बनाकर बुरी तरीके से पीटा। इसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, वहां पर जाके देख भी सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो आरजेडी के तेजस्वी यादव है या महागठबंधन के नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने नेताओं की बैठक की और जो उनके विधायक जीते हैं उनके साथ भी आपको बता दें कि उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की। उसी समय आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अंदर सरकार तमाम लोगों ने मिलकर उनकी पार्टी को चुनाव हराया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 130 सीटों के आसपास चुनाव जीत रहा था उनका गठबंधन, लेकिन यहाँ पर बुरी तरीके से उनको मिलकर हराया गया, जिसके चलते किसी के बारे में भी कहना कुछ भी कहना गलत है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन उनके चुनाव हारने के पीछे का कारण जो है बीजेपी या नीतीश कुमार ने जानबूझकर उनको चुनाव हरवाया है। तीसरी बड़ी खबर की रुक करें आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय कहा कि उनके पार्टी में आज कई सारे सामाजिक संगठन जो अलग अलग जातियों के, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ज्वाइन करते हुए आज कई सारे सामाजिक संगठन उनके साथ आए। हालांकि आपको बता दें कि ये दावा अखिलेश यादव लगातार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से परिणाम अभी उपचुनाव में आए वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। सपा और बसपा को काफ़ी बड़ा का लगा है। दरअसल चौथी बड़ी खबर आपको बता दें कि बलौदा से आ रही है। बलौदा बाजार के अंदर आज आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने विरोध प्रदर्शन जताया। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जो बेदखली की वजह से महंगाई से लेकर लॉकडाउन काल के अंदर तमाम तरीके की मार है, गरीब पिछड़े आदिवासियों पर पड़ी है, सरकार को इन्हें उच्ची कुछ राहत देकर इनकी मदद करनी चाहिए। पांचवी बड़ी खबर की रुक करें आपको बता दें कि अंबेडकर पीपल्स वॉइस जो बहुजन समाज का सबसे तेज उभरते हुआ न्यूज चैनल है, और आपको बता दें कि हमारी वेबसाइट www.ambedkarpeoplesvoice.com जो वेबसाइट है वो आपको बता दें कि एलेक्सा न्यूज रैंकिंग के आधार पर आपके तमाम जितने बहुजन समाज के चैनल चलते हैं उनसे सबसे टॉप रैंक के अंदर आपको बता दें कि वेबसाइट है, जबकि एक साल का समय हुआ है, जबकि अन्य जितनी भी वेबसाइट है वो पिछले तीन से चार साल से चल रही है, लेकिन उन तमाम वेबसाइटों को पीछे छोड़ते हुए हमारी रैंक वेबसाइट रैंक है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूट्यूब से लेकर अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अंबेडकर पीपल्स वॉइस लगातार आपको बता दें कि एक इतिहास रच रहा है, और लगातार इतिहास रखते हुए बहुजन समाज के इस चैनल ने एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर कार्य करते हुए अपनी अमिट छाप बनाई है, और लगातार आपको बता दें कि लाइव कंटेंट हो, लाइव वीडियोज हो और तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाने का काम किया है, जिसके चलते आज ये ट्विटर इंडिया ने भी अंबेडकर पीपल्स वॉइस के ट्विटर अकाउंट को वेरीफाइड कर दिया। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो अंबेडकर पीपल्स वॉइस को जाकर ट्विटर पर फॉलो करें। इसके अलावा आपको बता दें कि मेरा खुद का अकाउंट यानी नौरतराम लोरोली के नाम से जो अकाउंट है उसको भी वेरीफाइड ट्विटर ने कर दिया है, इसलिए आप दोनों अकाउंट को जाकर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप फेसबुक पर हैं तो अंबेडकर पीपल्स वॉइस को सर्च करें और वहां पर ही हमारे पेज को लाइक जरूर करें और आप हमारे साथ बने रहें। इंस्टाग्राम पर आप मेरा नाम नौरतराम लोरोली सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे इस नए वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।